देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चुनाव का प्रचार जोरों पे है और इस वक्त हमें है धीरपुर वार्ड में, जहां नेहा अग्रवाल जी हैं मैदान में आम आदमी पार्टी से। नेहा अग्रवाल जी से पूछते हैं कि वो किस तरह का प्रचार प्रसार कर रही हैं और क्या रुझान उनको मिल रहे हैं, प्रचार उनका जोरों पे है। नेहा जी, आप पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और आपका प्रचार जोरों पे है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसे आपका वातावरण है और क्या कुछ रुझान मिल रहा है? नमस्कार जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी रुझान हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं और लोगों का पूरा प्यार और पूरा साथ मिल रहा है और पूरा समर्थन है लोगों का। जहाँ पर भी हमने अब तक रैलियाँ की हैं, पदयात्राएँ की हैं, ये डोर टू डोर किया है, लोगों का पूरा सपोर्ट केजरीवाल जी के साथ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, ज़रूर आएगी और एमसीडी में केजरीवाल जी की ही सरकार बनेगी। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच अपने लेके जा रहे हैं? प्रमुख मुद्दे साफ़ सफाई को लेकर हैं, नालियों की गंदगी को लेकर हैं, पार्किंग की समस्या को लेकर हैं, पार्कों की समस्या को लेकर हैं, यही मेन मुद्दे हैं हर क्षेत्र के। तो यही है कि इनमें ही काम करना है और जो भी निर्माण कार्य में वसूली की जाती है उसको बंद करना है और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना है। नेहा जी, धीरपुर वार्ड में आपका पहला अनुभव है और आपके सामने तो दूसरी विपक्ष के जो लोग हैं काफ़ी अनुभवी हैं 2 साल से, तो उनकी तरफ से क्या कुछ आपका लग रहा है कि क्या क्या आपको रणनीति बनानी पड़ेगी? देखिए, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है कूड़े के पहाड़। तो हमें उन्हीं की साफ़ सफाई करनी है और हमें बस ये कि जो भ्रष्टाचार एमसीडी में है पिछले 15 सालों से उसको ख़त्म करना है। और केजरीवाल जी की जो सरकार है वो एक ईमानदार सरकार है, तो इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और पूरी ईमानदारी के साथ सारे कार्य किए जाएंगे। हम नाली खड़ंजों की और कूड़े की बात जो करते हैं ये इस तक सीमित रह जाते हैं निगम चुनाव के दौरान, लेकिन दूसरी बात, निगम के स्कूल भी हैं, निगम की डिस्पेंसरियाँ भी हैं, निगम के अपने और भी काफ़ी सारे एक्टिविटी हैं, क्या उनके ऊपर भी फोकस है आपका कुछ? क्या नहीं बता पाएंगे कि अभी तक की हालत क्या है उनकी? नहीं, पूरा फोकस है, मैं कई क्षेत्र में घूमी हूँ। हाँ जी, स्कूलों की भी हालत ख़राब है और कई लोगों ने मुझे कंप्लेंट की कि यहाँ पर जो डिस्पेंसरीज हैं यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं होते, बिल्कुल किसी को चोट लग जाती है तो बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो यही है कि वहाँ पर हर एक इलाके में एक डिस्पेंसरी हो, एक प्राइमरी स्कूल हो जो नगर निगम के अंडर आते हैं, तो यही है कि सब चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। आवारा पशुओं की और इनकी भी काफ़ी भरमार रहती है एरियो में और निगम के अंडर ही आता है, तो क्या इनके लिए भी कोई आपके दिमाग में है कि कोई ऐसा प्लान बनाया जाए? हाँ नहीं, बिल्कुल बनाया जाएगा। और यही है कि हर 500 मीटर की दूरी पर डस्टबिन लगाया जाए ताकि लोग उसमें ही कूड़ा फेंकें और जो पशु वगैरह हैं जितने उनके लिए एक अलग से स्थान बनाया जाए, ताकि वहाँ पर गाय की जैसे रोटी डालनी है किसी को या घास वो वगैरह डालना होता है, जैसे पालक वगैरह डालते हैं कई लोग, कुछ लोग ब्रेड डालते हैं, तो वो एक जगह पर डाला जाए ताकि वहीं पर ही खाया जाए। बीच रोड पर फेंकने से क्या है, जाम भी लग जाता है और पूरा डिस्टर्ब हो जाता है सारा माहौल ही वहाँ का। एक अभी काफ़ी सारे मुद्दे में एक मुद्दा और भी है कि निगम की जो पेंशनें हैं काफ़ी दिन से रुकी हुई है या किसी की हट गई है, किसी की नहीं बननी है, इस पर भी आप कुछ गाइडलाइन बनवाएंगे अपने? नहीं, बिल्कुल सबको जो है टाइम से ही वेतन मिलना चाहिए और पूरी पेंशन बनेगी और केजरीवाल जी जो भी वादे करते हैं उनको पूरा करके दिखाते हैं। तो मेरे बस यही है कि सब अपना 4 दिसंबर को पूरा समर्थन पूर्ण बहुमत दें केजरीवाल जी की सरकार को एमसीडी में लेकर आएँ। आपका क्या अनुभव कर रहे हैं? केजरीवाल जिंदाबाद। आपको क्या अपने एरिया में केजरीवाल का ही करना है? नहीं, तो करना, इनको क्या आशीर्वाद देंगे, क्या गाइडलाइन? इनको आशीर्वाद भी देंगे, ये पूर्ण बहुमत से विजयी भी होंगी, हमारे तरफ से पूरा पूरा आशीर्वाद है। ऐसी जो बात हो जो आप इनको कहें कि भैया ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी और आपको आते ये करना है? नहीं नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा सहयोग मिलेगा, हर तरीके से सहयोग मिलेगा। पिछले लोगों ने कुछ काम ना किए हो आप इनको? शुभकामना तो हमारी है ही, सबकी तरफ से शुभकामना। क्या कुछ ऐसे काम है जो आप उम्मीद रखते हैं? भ्रष्टाचार मिटाना है, गलियों की सफाई है, सड़कों की मरम्मत है, डिस्पेंसरियों का, स्कूलों के हालात हैं, जो कि कूड़े के पहाड़ हैं, यही है मेन काम। राशन कार्ड है, मतलब वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ये बनवाना है, पेंशन बनवानी है, ये सब काम इनको सहयोग करना है, इसीलिए इनको हम समर्थन कर रहे हैं। ये सारे काम करवाने, जो जनता की परेशानी है उसको दूर करना है। सर, किस तरह आपका रणनीति चल रही है और प्रचार जो है वो कैसे रफ्तार पकड़ रहा है? हमारा प्रचार बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ रहा है, जो हमारे को लोगों का जन समर्थन मिल रहा है वो निश्चित रूप से हमारे को विजय की ओर अग्रसर कर रहा है। अब नेहा जी को क्या कुछ आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे और किस तरह इनको एक बताना चाहेंगे कि वो किस तरह जो इनके सामने दिग्गज है दूसरी पार्टियों के? नहीं, ये दिग्गज क्या है कि मीडिया ने सिर्फ दिग्गज बना रखा है। नेहा अग्रवाल जी सक्षम है और जहाँ भी जनता में जा रही हैं वो अपनी बात रख रही हैं और इनका काम बोलेगा, इनकी बातें नहीं बोलेंगी, इनका काम बोलेगा, क्योंकि ये साफ नीयत से सच्चे मन से जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में जा रही है।
कुछ आपकी प्रायोरिटी हो कुछ कामों को लेके जो आप करवाना चाहेंगे? हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जी कूड़े के पहाड़ हटाना, नालियों की सफाई करवाना, सड़कें बनवाना, स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था करना, निगम के स्कूलों को ठीक कराना, ये हमारी मुख्य प्रायोरिटी में। कुछ डार्क स्पॉट होंगे कुछ एरिया में आपके, जहां आपको लगा होगा कि ऐसी अनहोनी घटनाएं हो सकती है, बता पाएंगे कि किस किस एरिया में कैसा है? आप आजादपुर गांव जाके देखिए कितना बुरा हाल है, हर जगह अंधेरा है, इन्होंने कोई लाइट के लिए कोई भी इन्होंने इंतजाम वहाँ नहीं करे हुए हैं। आप धीरपुर गांव चलिए, सारी गलियां इन्होंने कोई एक भी गली ना बना रखी है, ना डार्क स्पॉट को इन्होंने ठीक करने की कोशिश करी गई है। उसको हमने विशेष रूप से हमने चिन्हित कर रखा है, वो हमारी प्लानिंग में है, हम उनको निश्चित रूप से ठीक कराएंगे। पार्कों का तो बुरा हाल है, पार्कों के अंदर जो घास आज से 5 साल पहले मुकेश गोयल जी यहाँ लगवा कर गए थे, इन्होंने उस घास को ये मेंटेन ही नहीं कर पाए। जो हमने पेड़ पौधे लगवाए थे उन पेड़ पौधों का नाश कर रखा है, पटरियाँ उखड़ी पड़ी हैं, जो हमारे यहाँ जो घूमने वाले लोग जो आते हैं हमारे बुजुर्ग, उनको चलने में इतनी दिक्कत होती है, वो बेचारे बैठ जाते हैं, कह रहे हम तो घूम नहीं सकते। देखिए आवारा पशुओं का जहाँ तक सवाल है उसको हम सुनियोजित तरीके से उसका समाधान करेंगे, चाहे उसमें कुत्ते हों चाहे हमारा गौमाता हो, तो उसका हमने सुनियोजित तरीके से MCD के आधार पर उसका समाधान किया जाए। की नज़र से देखते हैं तो मतलब आपको कई तरह की समस्याएं और भी समझ आ रही होंगी, तो सबका समाधान आप उनकी नज़र से करेंगे या अपने एक अनुभव से करेंगे? नहीं, पूरे अनुभव से करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, जो भी समस्या होगी लोगों की उसको पूरी तरह से पूरा किया जाएगा, पूरे समय के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। थैंक यू।